आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। चैप्टर का नाम हमारे पास है हाइड्रोजन इन वाटर। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर या लिक्विड भी कह देते हैं, और जी मतलब प्रोड्यूसर, जिनेन से निकला है, ये निकला है जीन से, जीन निकला है जीन से, इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? पानी बनाने वाला, वाटर प्रोड्यूसर या लिक्विड प्रोड्यूसर। तो ये हाइड्रोजन का हमारे पास इंट्रोडक्शन है। हाइड्रोजन को 1766 में हेनरी केवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, केवेंडिश ने डिस्कवर किया 1766 में। केवेंडिश रिएक्शन के जरिए डिस्कवर किया था। वो रिएक्शन क्या था? Zn+2HCl, ZnCl2+H2, ये कहलाता है केवेंडिश रिएक्शन। इस रिएक्शन के जरिए लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया गया था बाय केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश के जरिए। एक बात और देख लीजिए, 70% जो यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो जो सबसे ज्यादा एलिमेंट यूनिवर्स में पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। 0.89% ऑफ अर्थ का जो मास है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। पानी में देख लीजिए, जो पानी का फॉर्मूला H2O है, तो 11.11% जो पानी का मास है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। पानी में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो 88.89% ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि 11.11% क्या कितना है? हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है पानी। तो ये हाइड्रोजन का हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। हाइड्रोजन दो किस्म में पाई जाती है, दो फॉर्म से हाइड्रोजन की जाती है। एक कहलाते मोनोटोमिक हाइड्रोजन, एक कहलाते डायटोमिक। इसको मोलिकुलर हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसको H2 जो फॉर्म है हमारे पास, एक मोनोटोमिक होती है, एक कहलाते डायटोमिक। तो इसको क्या है? इसको मोलिकुलर हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसको जो हमारे पास होती है हाइड्रोजन की ये वाली किस्म जो है हमारे पास, उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन कह दीजिए या न्यूली बोर्न हाइड्रोजन कह दीजिए, न्यूली बोर्न हाइड्रोजन या नवजादा हाइड्रोजन कह दीजिए। तो जो हमारे पास आजाद हालत में हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनोटोमिक जो हाइड्रोजन होती है वो सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में प्रोड्यूस होती है, फिर दोबारा डायटोमिक फॉर्म में आ जाती है। तो हाइड्रोजन कितने किस्म के? एक मोनोटोमिक हाइड्रोजन कहलाती है, एक डायटोमिक हाइड्रोजन कहलाती है। तो सनती पैमाने पर हाइड्रोजन गैस को तैयारी का कोक स्टीम प्रोसेस जो आज हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में जरा देखिए, बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक। कोक मतलब कोयला या कोयले जैसा समझ लीजिए, तो इसको कोयला समझ लेते हैं। कोयला, स्टीम भाप, जलते हुए कोयले पर भाप के अमल से हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है, इसको कहते हैं बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक या रेड हॉट कोक, जलता हुआ लाल कोयला। इसी तरीके को हम कहते हैं कोक स्टीम प्रोसेस भी कहा जाता है। तो कार्बन, ये हमारे पास हो गया कार्बन, कार्बन ले लीजिए इसको। कार्बन पर या जलते हुए कोयले पर से जब हम पानी स्टीम पास करते हैं, डेल्टा एच यानी हीट चाहिए होती है इसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्रोड्यूस होता है। इसको इस तरह लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी को कहते हैं वाटर गैस। ये क्या कहलाती है? वाटर गैस का फार्मूला है हमारे पास, वाटर गैस कहते हैं इसको। जब भी जलते हुए लाल कोयले पर से भाप पास की जाती है तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर यानी वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। ये लाइटर देन एयर या हवा से हल्की होती है, जिसका मॉलिक्यूलर मास एयर से कम होगा तो वो लाइटर देन एयर कहलाएगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास एयर से ज्यादा होगा तो वो हैवियर देन एयर कहलाएगी।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी वाटर गैस क्या होती है, ये लाइटर देन एयर होती है हमारे पास। लिख लें इसका, व्हेन स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट कोक और कोयले में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन वो यहां कोयला ही समझ लेते हैं। व्हेन स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी वाटर गैस क्या होती है हमारे पास, वाटर गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर गैस इज प्रोड्यूस। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, रेड हॉट कोक मतलब जलता हुआ लाइट वाला। अब जाहिर सी बात है वाटर गैस हमें चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन गैस, हमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस चाहिए, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की भी कंटेमिनेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है, तो हमें वाटर गैस प्रोड्यूस हुई, हमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो हम क्या करेंगे फर्दर प्रोसेस करेंगे ताकि हाइड्रोजन गैस सेपरेट आउट कर लें और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें नहीं चाहिए होती तो उसको हम अलग कर लें। तो इसके लिए दो प्रोसीजर है वो भी हम कर लेते हैं। फ्रॉम वाटर गैस H2 इज सेपरेटेड बाय टू मेथड्स, वाटर गैस से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, बाय लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन, एक ही बात है, लिक्विफिकेशन को कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। व्हेन वाटर गैस इज कूल्ड अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाइज एंड लिविंग बिहाइंड H2। या देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ये वाटर गैस का फॉर्मूला है, जब इसको -200 डिग्री सेंटीग्रेड में चिलर में कूल किया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन -156 डिग्री है, जबकि हाइड्रोजन इसका पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन -256 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, लिक्विफाई होके सेटल डाउन हो जाएगी, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी इसमें 198% या 99% प्योर होगी। तो इसको हम मजीद या फर्दर प्रोसीजर करेंगे मजीद लिक्विफाई करने के लिए, यानी इस तरह करेंगे 1% इसको इस तरह लिख लीजिए, 1% कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, जब इसको रिएक्शन कराएंगे प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडियम के साथ, तो सोडियम फॉर्मेट हासिल होगा, क्या हासिल होगा, सोडियम फॉर्मेट, और प्योर हाइड्रोजन हमारे पास हासिल हो जाएगी HCOONa प्लस H2। तो ये हमारे पास क्या होगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे पास हासिल हो जाएगी प्योर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख लीजिए आप, 1% कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NaOH, तो HCOONa हासिल होगा प्लस H2 हमारे पास हासिल हो जाएगा, यही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि बाय लिक्विफिकेशन के लिक्विफाई करने से किस तरह हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से अलग कर सकते हैं, इसका पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन -156 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाइड्रोजन का -256 डिग्री सेंटीग्रेड है, चिलर में क्या होगा, चिल होकर कूल होकर क्या होगा सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, फिर भी कुछ ना कुछ रिमेनिंग बाकियात बाकी रह जाएंगी, तो उसको हम इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड के जरिए सोडियम फॉर्मेट बनाकर प्योर हाइड्रोजन गैस हासिल कर सकते हैं। वाटर गैस भी कोई बेकार नहीं होती, ये मिथाइल अल्कोहल की तैयारी में वाटर गैस यूज होती है। तो अब दूसरा तरीका क्या है इसका, बाय ऑक्सीडेशन, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन या इसको बर्स्ट प्रोसेस भी कहते हैं, ये है क्या, इन दिस प्रोसेस मोर स्टीम पास थ्रू वाटर गैस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। लिख लें क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड भी
ये भी कैटलिस्ट, क्या होते हैं ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट और इनहिबिटर क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट या इनहिबिटर कहलाते हैं, और इनहिबिटर कहलाते हैं। इनको एरो के ऊपर लिखा जाता है, ये मैं भी बता देता हूं आपको, सबसे सूटेबल तरीका यही है हमारे पास। तो ये क्या है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं वाटर बेस हो गया CO प्लस H2। अब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, Fe2O3 FeO आयरन का ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे, तो हमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर क्या होगी सोल्युबल हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यही हाइड्रोजन गैस हमें चाहिए होती है, तो ये भी सबसे सूटेबल तरीका है हाइड्रोजन गैस की तैयारी का, अलग करने का वाटर गैस से। ये वाटर गैस है, लिख लीजिए ये वाटर हो गया, पानी यानी ये क्या हो गया हमारे पास कैटलिस्ट हो गया। ये टेम्परेचर हो गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी वाटर सोल्युबल पानी में हल हो जाएगी और हमें हाइड्रोजन गैस हासिल हो जाएगी। बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का अमल क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, ऑक्सीडेशन का अमल कहलाता है, इसका अपोजिट रिडक्शन बनता है। तो ये दूसरा तरीका है हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने का वाटर गैस से।